टीडीसी के पहले भी वादे किया थे कि आप हमें कामयाब 2014 में मिलने वादे किए थे, मैंने वही कहा इनके वादों पे हमने देखे, लेकिन हाँ जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कमिटमेंट हमारे साथ की है उस पे हम स्टैंड है, हम खड़े हैं। बात है वो क्या हो रही है, लेकिन इस वक्त हम रोडों पे हैं, ये सरकार की कहीं ना कमी है, लेकिन इस सरकार ने हमारे साथ हर तरफ धोखा। साल की दो हमें दो तनख्वाहें देती है और 11 साल हमें दिल्ली में हुए हैं, 11 साल में से 2 साल की पेमेंट मिली। सर जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट फ्रंट और पीएचई रेलवे स्टेशन शील्ड बन के हमेशा खड़ी रहेगी। टीडीसी के पहले भी वादे किया थे कि आप हमें कामयाब 2014 में मिलने वादे किए थे, मैंने वही कहा इनके वादों पे हमने देखे, लेकिन हाँ जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कमिटमेंट हमारे साथ की है उस पे हम स्टैंड है, हम खड़े हैं। कमांडर पोर्टस था क्योंकि हम बजट का वेट कर रहे हैं, जैसे बजट होता है बजट में क्या निकलता है, अगर बजट में हमारे लिए फिर नेगेटिविटी कुछ आती है तो पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी लीडरशिप बैठ के तमाम डिपार्टमेंट्स की एक प्रोग्राम जो है जो कश्मीर से लेकर दिल्ली तक उस प्रोग्राम को लेकर हम जाएंगे और अब वर्कर्स के बीच तमाम डिस्ट्रिक्ट में लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और फिर जो लोग चीफ मिनिस्टर का सपना यहाँ पे देख रहे हैं कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे फिर करेंगे, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, जम्मू कश्मीर यहाँ के गरीबों और मजदूरों का सीएम बनेगा फिर वो अपने लोग, क्योंकि हमारी एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठे हैं वो, हमारी टीम जो गई थी। लेकिन डीडीसी का हाल भी आपने देखा प्रदर्शन उनका वो भी, लेकिन समझ नहीं आ रही है डीडीसी ने प्रदर्शन करना था, आज अगर हमारे बीच में यहाँ बैठते तो हमें खुशी होती हमें, क्योंकि यही लोग जो उनको डीडीसी बनाने वाले हैं, यही एमएलए बना, यही मिनिस्टर बनाने वाले लोग हैं, हमारे साथ बैठते हमें खुशी होती आज, लेकिन वहाँ प्रोटोकॉल की लड़ाई है तो प्रोटोकॉल डेमोक्रेसी में क्या है, ये लोग हैं प्रोटोकॉल, तो मुझे चाहिए था आज को उनको हमारे साथ यहाँ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन चलो फिर भी उनकी अपनी डिमांड है, हम उस पर नहीं ज़्यादा जाएंगे, लेकिन सरकार से यही अपील है कि वन टाइम से इशू को सेटल किया जाए, अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो आने वाले टाइम में जो है बहुत बड़ी जो है लड़ाई वो लड़ी जाएगी। अगर लाख लोग किसे लगे, हमने तो लगाया ही नहीं है, 61,000 किसे लगे, यहाँ कोई ना कोई अथॉरिटी उनको एंगेज करने के लिए थी, उन लोगों ने लगाया, आज 30 साल हमने सर्विस लेके सरकार ये कह रही है कि ये किसे लगाए हैं, तो वे कोई सवाल नहीं बनता है, वो सरकार ने प्रिंसिपली एग्री मान चुके हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद सरकार ने हमें हमारा जो बायोमेट्रिक किया है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में हमारा डाटा जो है वहाँ पे सबमिट हुआ है, तो अब मुझे नहीं लगता है कि और कोई सरकार को बयानबाजी करने की जरूरत है, तो अब सरकार को यही चाहिए कि आने वाला जो बजट है उसमें वन टाइम इसकी जो सेटलमेंट की जाए, जो ऑलरेडी डॉक्टर एजेंसी से हमारी एक कमिटमेंट हुई है, लास्ट टाइम मीटिंग दिल्ली में हुई है, अब बजट में आने वाला वक्त है उसको पूरा करने की। 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट आज बोलती है आज करेंगे कल करेंगे, तो अभी तक हमारा सर कुछ नहीं हुआ, तो चलो ये थोड़ा बजट सेक्शन चल रहा है, डॉक्टर जितेंद्र जी ने हमारे लोगों के साथ कमेंट किया कि आपका इस बजट में कर देंगे, तो चलो सर हम कर रहे हैं इंतजार, सितारों को बजट है तो सर वही उम्मीद है, तो अगर नहीं करेंगे सर तो फिर हम इसके बाद फिर रोड पर उतर जाएंगे, तो चलो सर यही उम्मीद रखी है, तो अब ऊपर वाला ही जाने आगे क्या करेंगे, यदि मत पूछो अब हम कैसे क्या कर रहे हैं, हम तो अब ऊपर वाला ही जानता, उस जिस दिन हम इस पीएचई डिपार्टमेंट में लगे उस दिन हमने शादी वादी अभी कुछ नहीं की थी, तो फिर सर इसी नौकरी के पीछे हमने शादी की कि चलो अब हम डेली वेजर लगे तो हम 10-15 साल तक 7 साल के बाद परमानेंट हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का शेड्यूल था 7 साल के बाद परमानेंट होते, तो हमें सर उसी उम्मीद के साथ शादी की, अब हमारे बच्चे सर 10-10वीं में पढ़ रहे हैं, तो अब सर क्या करेंगे, अब उनको भी हमारे इस नौकरी का कोई यकीन नहीं है कि ये हमारे पापा परमानेंट होंगे, फिर ये अब हमने रखी अब ऊपर वाले पर सर, तो अब ऊपर वाला ही कुछ करे तो अच्छी बात है, नहीं तो अब इनका उतना भरोसा हमें नहीं है, तो चलो देखते हैं ऊपर वाला रिजक देने वाला वो दे देगा इंशाल्लाह, वैसी बात नहीं। हम भी 15 साल पहले हमें पीएचई डिपार्टमेंट में लगाया गया इस सेवा लोक सेवा के लिए, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने आश्वासन पर आश्वासन देने के बावजूद अभी तक हमारा इसमें कोई भी मसला हल नहीं किया, आज हम एक दिवसीय प्रोटेस्ट पर फिर यहाँ तनवीर साहब की क़यादत में जमा हुए हैं, तो हमने अपनी तरफ से भी जो जो सेंट्रल बॉडी है हमारी यूनियन की उनको ये कह दिया है कि अब इंतज़ार का वक्त ख़त्म, भरोसे का जितना भरोसा हमने करना था कर लिया, अब कुछ करने का वक्त, क्योंकि मरने की कगार पर तो हम ऑलरेडी आ चुके हैं, अब बेहतर है कि मरने से पहले कुछ करने का वक्त आ जाए, तो हम यही सोच रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने इस बजट में हमारा कुछ प्रावधान नहीं किया तो हम रोडों पे विद फैमिलीज आ जाएंगे, और जो भी कुछ हालात अगर बिगड़ेंगे उससे, या कहीं कोई भी किसी भी तरह का कोई मसला बनेगा तो वो उसकी जिम्मेवारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर होगा जी। हमारा 2,500 रुपया तो खर्चा मिनिमम हो ही जाता है, इतने दूर से आना है, और ना भी आएंगे तो उससे भी मसला हल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने डेमोक्रेटिकली जो है एक ही हमारे पास ये एंगल है कि रास्ता है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात देश में चल रहे हैं, जिस तरह किसान आंदोलन चल रहा है या बाकी मसाइल बन रहे हैं, तो गवर्नमेंट के कान पे जूं तक नहीं रेंगती है, ये किस तरह का सोच है इनकी, जनता के प्रति कैसी सोच बन रही है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसकी आम आदमी को समझ नहीं आ रही है, तो हम भी इसी मसले में जो है अब एक तरह से पागल हुए जा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है,
आखिर गरीब जनता के साथ ये क्या हो रहा है। अगर 20-20 साल से एक सरकारी विभाग में काम करवाने के बावजूद उनकी सैलरी से जो है महरूम किया जा रहा है, और एक तरफ से किया जाता है, ये जम्मू कश्मीर जो है ये एक हसास स्टेट है, हसास स्टेट का माना जाता है इसको, और पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है। और वो क्या देख रही है दुनिया कि यहाँ पर सरकारी विभाग में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी तक हड़प ली जा रही है, और दावे किए जा रहे हैं यहाँ पर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, खाक यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है, गरीब का गला कट रहा है, गरीब का पेट काटा जा रहा है। इस कहता हूँ सबसे बड़ा पहला कारण ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज़ों से चलती आई है, कहीं ना कहीं आज साथ ही सोचने पर ये मजबूर हो गए हैं कि कहीं ना कहीं जो यूनियन प्रेसिडेंट्स हैं इन्होंने कोई एग्रीमेंट तो नहीं कर लिया है गवर्नमेंट के साथ, चाहे एक भी रहेंगे 10 भी रहेंगे लेकिन दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, ये एक पॉलिसी हो सकती है। लेकिन मैं तमाम डेली वेजर्स से ये एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से ये अपील करता हूँ कि अगर आपको ज़रा बराबर भी हम लोगों की हमदर्दी है, हमसे आप हमदर्दी रखते हैं डेली वेजर से, इन गरीब जनता से, तो आप एक मंच पे आके आप एक आवाज़ में सब लोगों को इकट्ठा करके आप लड़ाई लड़िए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। सबसे बड़ी कमज़ोरी जो रही है बेसिकली यही रही है कि डिवाइड जो इसमें जो इंतशार है यूनियनों का साथियों का, ये वहाँ पर श्रीनगर में 2-3 यूनियनें हैं, यहाँ पर तो 5-6 की नहीं जा रही हैं, कभी कोई इधर नाच रहा है कभी कोई उधर नाच रहा है। ऐसे तो ये गवर्नमेंट को एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक मौका मिल रहा है ताकि वो हमारे मसले को लटकाए रखे। 53 साल हुई मैं कोई तकरीबन 20 साल हुई आज दिल्ली परमानेंट होना कालो आना जनाब परमानेंट है तो ऐसे भी हो जाना है, उम्र हो रही है आज 65 साल से ऊपर कोई जा नहीं रहा है, और बच्चे मेरे दर दर हो रहे हैं, और हमें कुछ नहीं गवर्नमेंट दे रही है, साल की दो हमें दो तनख्वाहें देती है, और 11 साल हमें दिल्ली में हुए हैं, 11 साल में से 2 साल की पेमेंट मिली है हमें, और 9 साल की कोई हमें पेमेंट नहीं मिली है। देते अभी अब 1 महीने के बाद देंगे, 2 महीने देंगे, कुछ 6-6 महीने के बाद एक तनख्वाह देते हैं हमें 700। मेरे अनपढ़ ऐसे ही फिर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करें हम, कहाँ जाएं, बच्चे कहाँ छोड़ें, कैसे हम अपना सर्कस चलाएं। हमें परमानेंट करने की मांग करते हैं, और हमारी जो कि बकाया बिजनेस है वो मिलना चाहिए। सबसे अच्छे वो हैं जो नरेगा में काम कर रहे हैं, बिल्कुल जो नरेगा का कार्ड है ना जिनके पास, वो अच्छे हैं। जो हमसे अच्छे वो लोग हैं जिनके जो पियाची में नहीं है, उनको तो 2-2 लाख रुपए गवर्नमेंट IOI केस का दे रहे, तो हमें तो सर वो भी नहीं मिल